नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी साल 2023 में कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तीर्थों पर स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, इन 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने वाले सभी एकादशी में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित माना गया है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मंगलवार 30 मई दोपहर 1:07 से शुरू हो रही है। ये तिथि अगले दिन 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को मनाया जाएगा। वहीं निर्जला एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त गुरुवार 1 जून को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। इस मुहूर्त में कभी भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, उसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूजा करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ करें और रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। श्री हरि विष्णु से किसी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगें। शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करें। फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराएं और उन्हें अपने अनुसार भेंट दें। इसके बाद व्रत का पारण करें, सभी को प्रसाद खिलाएं और फिर खुद भोजन करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप मिट जाते हैं, साथ ही दुख और कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। ये थी जानकारी कि निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और महत्व। आज वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।